मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य सम्राट बिंदुसार के विषय में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और सम्राट अशोक के पिता थे तो बिंदुसार के विषय में मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना कम से कम समय में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं संक्षिप्त इतिहास वाला वीडियो के लिए आ, रिक्वेस्ट कर रहे थे तो वैसे तो मैंने बिंदुसार के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है उसको अगर आप लोग देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिंदुसार जो कि मौर्य

जैसा मैंने बताया ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था इसके भी अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के समान अनेक नाम मिलते हैं और ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसको यूनानी लेखकों के द्वारा जो यूनानी लेखक थे उन्होंने इसको बोला अमित्रो चेडज अमित्रो चेड हाँ अमित्रो चेडज जिसका संस्कृत में मतलब होगा अमित्र घात तो अमित्रो चेडस कहा गया किसके द्वारा यूनानी लेखकों के द्वारा उसके बाद जो स्ट्रेबो था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला था ना स्ट्रैबो ने तो स्ट्रेबो ने जो बिंदुसार है इसको बोला अलिट्रोकेडस क्या बोला अलिट्रोकेडस उसके बाद वायु पुराण वायु पुराण देखो पुराणों से ना मौर्यों के विषय में काफी कुछ जानने को मिलता है विशेष करके वायु पुराण में तो वायु पुराण में इसको भद्रसार बोला गया क्या बोला भद्रसार जैन धर्म ग्रंथों में इसका जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म ग्रंथ से मतलब जैन धर्म को अपना लिया था ना चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म ग्रंथों में इसको सिंहसेन बोला गया है आजीवक संप्रदाय देखो जो बिंदुसार था ना इसने आजीवक संप्रदाय को अपना रखा था जैसे इसका पिता जैन धर्म का अनुयायी था ये जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे मखली पुत्र घोषाल तो आजीवक संप्रदाय के द्वारा इसको बोला गया एक दंडी तो ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं तो अगला बोल रहा है कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल थे तो काफी बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट है बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए पहले उसने अशोक को भेजा फिर सुसीम को भेजाई ये दिव्या से ज्ञात होता है तो स्रोत क्या है यह भी पूछा जाता है प्रश्न तो इसके शासन काल में जो तक्षशिला है ना जहां पर तक्षशिला महाविद्यालय है और जो तक्षशिला है वो उत्तरापथ प्रांत की राजधानी भी हुआ करती थी तो इसके समय में वहाँ दो बार विद्रोह हुआ पहले अशोक को भेजा गया फिर सुसीम को भेजा गया अगला पॉइंट है इसे दो सागरों का विजेता कहा जाता है दो सागरों को इसने जीता था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को वैसे इसके समय के युद्ध विजय अभियानों के विषय में जानकारी तो नहीं मिलती है लेकिन इसने अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखा जो इसको उत, उत्तराधिकार के रूप में जो साम्राज्य मिला ना जो राज्य उसको टूटने नहीं दिया बिखरने नहीं दिया उसको सही सलामत बचाए रखा था अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे प्लीनी एक इतिहासकार है प्लीनी तो प्लीनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेलफस ने अपने राजदूत डायनिशियस को आ, मौर्य दरबार में भेजा था तो प्लीनी प्लीनी एक इतिहासकार है तो इसने ऐसा लिखा है कि मिस्र मिस्र जो है ना अफ्रीका का एक देश है मिस्र आज के समय में तो मिस्र के राजा थे उस समय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसियस को मौर्य दरबार में भेजा जैसे कि सेल्यूकस निकेटर उसने क्या किया था मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा था तो वैसे ही टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस को मौर्य दरबार में भेजा उसके बाद स्ट्रेबो इश्ट्रेवो, इश्ट्रेवो क्या बोलता है स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटी प्रथम एंटी प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा तो बिंदुसार के समय में दो देशों से राजदूत भारत में आए थे और किसने इसका प्रमाण दिया है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है प्लीनी है कि स्ट्रेबो है किस राजा ने भेजा था दूत का क्या नाम था ये सब चीज अच्छा एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है बिंदुसार है ये ऊ की मात्रा यहां छूट गया है तो बिंदु बिंदुसार ने सीरिया के शासक से तीन चीजों की मांग की थी ऐसा कहा जाता है कि जो सीरिया के शासक थे क्या नाम है सीरिया के शासक का एंटियोकस प्रथम तो जो बिंदुसार था उसने सीरिया के शासक से तीन चीजों की मांग की थी मीठी मदिरा सूखी अंजीर और ये तीन चीजों की मांग की गई थी जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और इन तीन चीजों में से मीठी मदिरा भेज दी गई सूखे अंजीर भेज दिए गए लेकिन जो दार्शनिक है वो नहीं भेजा गया था तो ध्यान रखेंगे दार्शनिक नहीं भेजा गया था और ये किससे मांगा गया था सीरिया के राजा से मांगा गया था किसके द्वारा बिंदुसार के द्वारा तो ये तमाम चीजें आप लोग बिंदुसार के संबंध में याद रखिएगा दो ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद फिर अशोक आता है जिसके विषय में हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे तो का वीडियो यही समाप्त होता है आप लोग इसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद